नमस्कार किसान भाइयों, जेडडी न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आलू के ताज़ा मंडी भाव व महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार आलू उत्पादक किसानों को आलू की अच्छी कीमत मिलने की काफ़ी उम्मीद है। इस बार आलू किसानों को मंडी में आलू के भाव ठीक ठाक मिल रहे हैं। हालांकि आलू का उत्पादन काफ़ी कम निकल रहा है, इस साल किसानों ने बड़ा नुकसान झेला है। ऐसे में अगर आलू की कीमत 25 रुपये से कम मिलती है तो किसानों के हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। हालांकि फसल के समय काफ़ी सस्ता बिकने वाला आलू इस वर्ष ठीक ठाक दाम पर बिक रहा है, जो कि थोड़ी रात की खबर है। फिलहाल आलू की फसल पक चुकी है, जिससे बड़े किसान आलू को स्टोरेज कर रहे हैं। आलू का उत्पादन भी कम निकल रहा है, केवल छोटे किसान ही आलू को मंडी में बेच रहे हैं, जिससे पिछले दिनों के मुकाबले इन दिनों आलू के भाव में तेज़ी देखी जा रही है। कुछ जानकारों की माने तो पूरे साल आलू के भाव ठीक ठाक रहेंगे। बात करें आज अलग अलग वैरायटियों के आलू के ताज़ा मंडी भाव की, तो इंदौर में पुखराज आलू बिका 600 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल। इंदौर में ज्योति आलू के भाव रहे 800 से 1190 रुपये प्रति क्विंटल। आगरा में चिप सोना बिका 1390 रुपये प्रति क्विंटल। मुरादाबाद में देसी आलू के भाव रहे 900 रुपये प्रति क्विंटल। सहारनपुर में चिप सोना के भाव रहे 1370 रुपये प्रति क्विंटल। कानपुर में मीडियम आलू बिका 980 रुपये प्रति क्विंटल। कन्नौज में कुफरी आलू के भाव रहे 1300 रुपये प्रति क्विंटल। हाथरस में मीडियम आलू के भाव रहे 1000 रुपये प्रति क्विंटल। धन्यवाद।